आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मैं हूं पर्वत राज पुरोहित, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। उल्वे की रहने वाली शमशाद बेगम की सतर्कता ने पुलिस को 43 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त करने में मदद की। शनिवार को शमशाद बेगम ने सीबीडी बेलापुर से एक ऑटो रिक्शा बुक किया था, लेकिन उतरने के बाद उन्होंने अपना पर्स भूल गया। जब उन्होंने ऑटो ड्राइवर को फोन किया तो पता चला उनके बाद एक नाइजीरिया महिला ऑटो में बैठी थी। बेगम उस जगह पहुंची जहां वह महिला थी और अपना पर्स मांगने लगी, लेकिन महिला ने उल्टा हमला कर भागने की कोशिश की। शमशाद बेगम और कुछ राहगीरों ने महिला का पीछा किया और उसे एक फर्नीचर दुकान में घेर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के पास से 43 लाख रुपए की कोकीन बरामद की। महिला की पहचान 25 वर्षीय अलीशा कैम के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वह फिर से भागने की कोशिश में पकड़ी गई। पुलिस अब जांच कर रही है कि वह ड्रग्स किसे बेचने वाली थी और उसे कहां से मिला। शमशाद बेगम की बहादुरी की सभी सराहना कर रहे हैं, लेकिन अब वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अपन पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चैनल।